यूक्रेन के निप्रो शहर में रूसी हमले में ढही इमारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इमरजेंसी सर्विसेज ने बचाव अभियान में करीब 36 घंटे बाद पांचवी मंजिल पर मलबे में दबी एक 23 वर्षीय महिला अनस्तासिया सवेत्स को बचा लिया। खास बात यह है कि अनस्तासिया के पति भी फौज में थे और कुछ हफ्ते पहले ही युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। राहुल बोले कि वे आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकते, इसके लिए उनकी गर्दन कटनी होगी। राहुल बोले, मेरे परिवार की एक विचारधारा है, वरुण ने दूसरी विचारधारा चुनी है, मैं उस विचारधारा को अपना नहीं सकता। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नानायकी यानी मैं नेता हूँ रैली आयोजित की। इसमें पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस मौके पर कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सेना के जवानों और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को मार गिराया है। पहली मुठभेड़ में दोनों आतंकी बच गए थे। इस एनकाउंटर को SSP ऑफिस के पास अंजाम दिया गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल जारी है। तीसरे दिन का खेल मंगलवार को मदुरई के अलंगनूर में सुबह 8 बजे शुरू हुआ। अब तक यानी 2 दिन के खेल के दौरान इससे 86 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि पलामेडू में एक बुल टेमर की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 191 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 200 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 163 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67,16,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक चर्च में धमाका हुआ। इसमें अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच भी भारत ने जीत लिया है। टीम ने UAE को 122 रन के बड़े अंतर से हराया। बेनोनी के बिलमोर पार्क में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए वीमेंस टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 219 रन बना दिए। जवाब में UAE की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 97 रन ही बना सकी। देश में कड़कड़ाती सर्दी का दौर अभी 2-3 दिन और रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसकी वजह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हो रही बारिश और बर्फबारी है। राजस्थान में 6 शहरों का तापमान माइनस में और 2 शहरों का पारा 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।